नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ न्यूज और मुजफ्फरपुर से है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज समरणालय सभाकक्ष में राजस्व संग्रहण आंतरिक संसाधन के साथ बुडको के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बता दें कि बैठक में मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राम सूरत राय, माननीय विधायक मुजफ्फरपुर बोचहा एवं बरुराज प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय एवं सहायक समाहर्ता खुशबू गुप्ता उपस्थित थे। आज की बैठक में सब कुछ रखा गया, नगर निगम से लेकर जिला से लेकर राज्य से लेकर सभी जगह में जो काम गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक करेंगे। सब स्मार्ट सिटी के खास कर आज जो है आंतरिक संसाधन पर डिप्टी सीएम साहब समीक्षा कर रहे थे, उसमें नगर निगम का मामला भी था। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस बार पानी किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए शहर में, और रेलवे के साथ 17 तारीख को एक बैठक आयोजित होने वाली है तो स्मार्ट सिटी पर भी चर्चा हुई है। जहाँ जहाँ काम कुछ आगे बढ़ा है उसको और तेज़ करना है, और जहाँ काम नहीं बढ़ा है उसको जल्दी से जल्दी टेंडर उन्डर करा करके काम को आगे लगाना है। हमको लगता है कि 15-20 दिन बाद और भी काम में तेजी आएगी शहर के विकास में। स्मार्ट सिटी को लेकर के क्या कुछ स्मार्ट सिटी की बैठक में चर्चा हुई, कहाँ कहाँ टेंडर हुआ है, क्या उस पर प्रगति है, ये सब की समीक्षा की गई है। और 17 तारीख को रेलवे के साथ फिर बैठक होगी और उससे कोई रास्ता निदान होगा नाली बनाने का। जो प्रॉब्लम रुका अभी नाली रुका हुआ है उसको भी तेजी से लाने का प्रयास किया जाएगा। आंतरिक वित्त संसाधन है, उससे जुड़े हुए सभी विभागों की हमने समीक्षा की है। हमारे अधिकारी काफ़ी तत्परता से राजस्व वसूली में बेहतर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक में जो इन्हें लक्ष्य दिया गया है ये लक्ष्य से भी काफ़ी बेहतर करेंगे। और जो मुजफ्फरपुर की कुछ नगरीय समस्याएं हैं और कुछ मुजफ्फरपुर जिले की समस्याएं हैं, उनसे भी रूबरू हुआ हूँ, और आने वाले दिनों में इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका भी शीघ्र निदान हम सब करेंगे। स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट सिटी बिहार में स्मार्ट सिटी को लेकर किस प्रकार का प्रोग्रेस? हाँ, आपने देखा होगा कि जब मैंने नगर विकास का पदभार लिया था उस समय समीक्षा के दौरान यह बातें आई थी कि स्मार्ट सिटी को राशि उपलब्ध कराया गया है, उसका समय सीमा के अंतर्गत वो खर्च नहीं हो पाया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन के रूप में हमने जो हमारे प्रधान सचिव हैं विभाग के वो चेयरपर्सन हुए हैं, और एक बार जो बिहार के 4 स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किए गए शहर हैं उसकी समीक्षा हुई है। और स्मार्ट सिटी में जिन कंपोनेंट्स को हम सबों ने अडॉप्ट किया है उसको कैसे समय सीमा के अंदर वो दिखे, इसके